हेलो टीचर्स, मैं सूरज संबानी और मैं राजेंद्र तिवारी आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसको देखने के बाद आप एक बेहतर वीडियो बना पाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वीडियो शूटिंग के दौरान, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका वीडियो और अच्छा बने। ये वीडियो बहुत सारे टीचर्स से टिप्स लेके बनाया गया है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे देखने के बाद आप एक बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, या सबसे पहले हम सर से पूछते हैं कि अक्सर टीचर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो लाइट की प्रॉब्लम होती है कि रूम में कितना लाइट चाहिए जिससे कि उनका जो वीडियो है वो अच्छा भी बने, साथ में उनका जो फेस है वो क्लियर दिखे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए टीचर्स आप क्या कीजिए, आपका जो रूम होता है उस रूम में कर्टन्स लगे हों, अगर कर्टन्स लगे हों तो उन रूम्स के कर्टन्स को आप खोल लीजिए, पर्दों को खोल लीजिए ताकि नेचुरल लाइट जो है वो आपके रूम में आ सके। उसके बाद आप ट्यूबलाइट्स को ऑन कर लीजिए, पर ध्यान इतना रखिएगा जब कर्टन्स आप खोल रहे हैं तो उतनी ही खोलिएगा जितने नेसेसरी हो, ताकि लाइट जो है उतनी ही आ सके जितनी नेसेसरी हो। नहीं तो क्या होगा, जब आप ज़्यादा कर्टन्स खोल लेंगे तो क्या होगा, लाइट जो है ज़्यादा आएगी जिससे आपका चेहरा और ज़्यादा चमकने लगेगा, वो भी वीडियो में अच्छा नहीं लगता है। अब आइए बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, जो वीडियो होता है ब्लर हो जाता है। हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हमारे ऊपर फोकस आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है पीछे फोकस चला जाता है, उससे क्या होता है कि हम ब्लर हो जाते हैं, कभी पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि ब्लर नहीं हो? तो सर इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है सेट द फोकस। अगर हम हमारे कैमरे का फोकस सेट कर लेंगे अच्छे से तो कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि सेट कैसे किया जाए। तो क्या होता है, आपका कैमरा जो आपके मोबाइल में जो कैमरा है, अगर उसमें एक्सप्लोर का ऑप्शन है तो आप उसे लॉक कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपके पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसमें इस प्रकार का फंक्शन हो, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मोबाइल में एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं ओपन कैमरा ऐप या DSLR कैमरा ऐप, आप इन दोनों में से किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर इस प्रकार का फंक्शन है जिसमें आप एक्सप्लोर को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। जब एक्सप्लोर लॉक हो जाता है तो आपका जो ब्लर वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, बार बार आपकी जो स्क्रीन है वो हिलती नहीं बल्कि एक जैसी ही चलती रहती है। तो इस तरह से आप अपनी ब्लर वाली जो चीज़ें उसको दूर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि अगर आप PPT से पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जो स्मार्ट बोर्ड है उसका यूज़ करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्मार्ट बोर्ड यूज़ करने पे हमको जो पिक्चर मिलती है या हमको जो वीडियो मिलता है उसमें क्लियरिटी अच्छे से नहीं आती। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम उसकी क्लियरिटी को बढ़ाएं ताकि बच्चों को वो अच्छा लगे? तो हम सूरज सर से पूछते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे करते हो? टीचर्स उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आप कोई PPT या PDF बनाएं तो एक बात का बहुत ध्यान रखें कि जिस सिस्टम में आप बना रहे हैं वो विंडो बेस्ड सिस्टम है कि लाइनक्स है। दूसरा, जिस सिस्टम में आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे वो विंडो बेस्ड है कि लाइनक्स है। अगर दोनों सिस्टम का सॉफ्टवेयर चेंज है तो ये बेटर रहेगा कि आप जो है PDF बना के लेके आए, ना ही PPT। अब जो PDF या PPT आप बना रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड आप रखें, बैकग्राउंड डार्क रखें और जो फॉन्ट्स रखें उनको लाइट रखें। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम बैकग्राउंड को लाइट रखते हैं, बैकग्राउंड लाइट रखने से क्या होता है कि जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है कैमरे का और उससे वो ब्लर दिखने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, बैकग्राउंड को आप डार्क रखिए और फॉन्ट को आप लाइट रखिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रखते हैं और फॉन्ट रेड कलर का रखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको शो होगा और आपका कैमरा जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर भी कर सकता है। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी परेशानी की, इको प्रॉब्लम। जो इको आ रहा है साउंड का, जो साउंड रिपीट हो रही है या गूंज रही है, जैसे हम कंप्रेस करते हैं साउंड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वीडियो की, और जब बच्चे उसको देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है और उनको ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। अब आपको जैसे पता ही, ईयरफोन्स लगाने से कानों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए जानते हैं राजन सर से कि राजन सर जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। राजन सर देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो की जो चीज़ें हैं वो दो बात पे डिपेंड करती है, एक तो क्लियरिटी किसकी, लाइट की, और दूसरी क्लियरिटी होती है साउंड की। तो साउंड की क्लियरिटी जब तक नहीं होगी आपकी वीडियो में, आपका वीडियो वॉचेबल नहीं होगा, लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो हम किस प्रकार से उस साउंड को अच्छा बना सकते हैं या फिर बाहर के अनवांटेड जो साउंड है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है माइक। माइक भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं अभी कलर माइक की बात कर रहा हूँ, जो कलर में लगाया जा सकता है, छुपा के भी लगाया जा सकता है, बच्चों को दिखेगा नहीं और आपको बच्चों को लगेगा यार इनकी साउंड तो बहुत अच्छे से आ रही है। तो तीन तरह के माइक मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे एक देखिए सूरज सर ने लगा रखा है ये माइक, ये इसको कलर माइक बोलते हैं, इसकी जो डोरी है उन्होंने अंदर से ली ताकि बच्चों को नहीं दिख रही है, ठीक है। तो एक तो ये माइक यूज़ कर सकते हो, इसकी जो प्राइस है 900 से 1000 के बीच में होती है, ठीक है। फिर दूसरे, ये मेरे पास रखे हैं दो माइक,
ये भोपाल मार्केट में ही मिल सकते हैं। इसकी प्राइस ओनली 250 रुपीज़ है। एक इस लॉन्ग डोरी वाला है और एक शॉर्ट डोरी वाला है। ज़ाहिर आपको लॉन्ग डोरी वाली लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आप थोड़ी लंबी डोरी वाली ले लें। फिर इसमें एक चीज़ लगती है, इसको बोलते हैं स्प्लिटर। ये एक स्प्लिटर है, ये भी मार्केट में मिल जाता है। ये क्या करता है, आपके मोबाइल में लगता है और मोबाइल से आप इसमें अपने माइक को लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो साउंड वाली प्रॉब्लम जितनी भी है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स बहुत तेज तेज उनको बोलना पड़ता है क्योंकि माइक दूर, कैमरा दूर रखा रहता है, इस वजह से उनकी साउंड वहाँ तक नहीं जाती। लेकिन अगर माइक आपको लगा हुआ है तो आपको आराम से बोल के भी आप अच्छी सी क्वालिटी का साउंड बच्चों को दे सकते हो। सर, अगर कॉर्ड या इस तरीके के माइक अवेलेबल नहीं हो मार्केट में या टीचर्स को नहीं मिले तो और क्या कर सकते हैं जिससे कि साउंड जो है क्लियर आ जाए? हाँ सर, एक और अच्छा सा आपने, अच्छा वो सर आपने ये पूछ लिया, मैं भूल गया था उसको। आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ होता है जिससे आप गाने वाने सुनते हो ना, ब्लूटूथ, आप ब्लूटूथ का यूज़ करके भी ये वाला काम कर सकते हो। वैसे आपको मालूम है सभी के पास हेडफोन तो होता ही है, लेकिन एक हेडफोन वो भी होता है जिसमें ब्लूटूथ होता है। तो ब्लूटूथ वाला जो हेडफोन है अगर उसका यूज़ करोगे तो भी ये माइक का ही काम करेगा और आपकी साउंड क्लियर उससे हो जाएगी। देखिए, अभी तक हमने बात कर ली कर्टन कैसे खोलना है, लाइट कैसे चलाना है, साउंड कैसे अच्छी लाना है, सब तरीके से हमने बहुत अच्छा वीडियो बना लिया, यानी लगभग 90% हमने वीडियो बना लिया। लेकिन अगर बच्चा उसको देखे ही नहीं तो हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ, यानी हमारी जो मेहनत हमने की है उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो वीडियो को इंटरेक्टिव कैसे बनाए, बच्चे उसको एक बार देखे तो देखते ही रहे, ऐसा क्या करें कि जिससे आपका वीडियो अच्छा ही बने और बच्चे उसको देखे भी सही। तो सर, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय आप बताएंगे जिसके थ्रू आपका वीडियो है वो बच्चा देखते ही रहे जब तक कि वीडियो खत्म नहीं हो जाए? उसके लिए टीचर्स हमें क्या करना चाहिए कि जो आप पीपीटी या पीडीएफ बना रहे हैं वो इंटरेक्टिव बनाएं काफ़ी, उसमें एनिमेशंस आए, उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए, टेक्स्ट जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ आप कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए, बिकॉज जब आप कैमरे की तरफ देख के बात करेंगे तो आपका और स्टूडेंट्स का, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनका आई कॉन्टैक्ट सेट हो जाता है। और आपको पता है जैसे क्लास में भी हम पढ़ाते हैं और जब आई कॉन्टैक्ट रहता है बच्चों के साथ तो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे साथ, ऐसा ही सेम यहाँ पे है। जब आई कॉन्टैक्ट सेट हो जाएगा टीचर्स, तो क्या होगा, बच्चे जो हैं वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आई कॉन्टैक्ट भी हो गया, एक पीपीटी पीडीएफ भी आपने बहुत अच्छी बना ली, अगर आप उसको और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहिए, उनके नाम लेते रहिए ताकि जैसे ही उनका नाम है उनका अटेंशन वहाँ पे हमको मिले। उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आपको और इंटरेक्टिव बनाना है, अगर आप और मेहनत करना चाहते हैं उसके साथ, तो उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसमें एनिमेशंस लेके आइए, उस वीडियो को एडिट कीजिए। जैसे आप मैप ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे इंडिया का मैप आ जाए, अगर आप ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब आ जाए। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं तो एक इंटरेक्टिव वे में उसको पढ़ाएं ताकि वो और ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करें और बच्चे उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखें। उसके बाद जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज भी वीडियो में बहुत ही क्लियरली दिखनी चाहिए, मतलब मैं सिर्फ मुंह से ही नहीं अपने हाथों और अपने चेहरे से भी बात करना चाहिए। इससे क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज से बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा। अब टीचर्स बात करते हैं एंगल सेट करने की, हमारा जो कैमरा है उसका एंगल किस तरीके से सेट करें ताकि हम जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो में दिखाई दें। तो आइए जानते हैं राजन सर से कि किस तरीके से राजन सर एंगल सेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर दिखते हैं वीडियो के अंदर। राजन सर, जैसे आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक लेता हूँ और इस वजह से ये नहीं कि मैं एंगल सेट करना जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल सेट करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दो ऐप के नाम बताए थे, एक तो ओपन कैमरा ऐप और एक DSLR वाला, उन दोनों ऐप में आपको एंगल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर देखिए नीचे, सबसे नीचे आप जाएंगे उसमें तो ग्रीन कलर में एंगल दिखा गया, जब आप एंगल जीरो दिखाए समझ लीजिए आपने एंगल सेट कर लिया है। ठीक है, यानी आपका जो कैमरा बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि जब भी आपका प्लस माइनस दिखेगा इसका मतलब आपने सही तरीके से उसको नहीं जमाया। ये तो हो गया एंगल सेट करने के बाद। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द कैमरे की, ये बहुत मेन होता है। अगर आपने अपने कैमरे की हाइट को अगर इसके बराबर नहीं किया, यानी ये जो देख रहे हैं आप बिल्कुल इसका मिडिल पॉइंट, जिस बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं उसके मिडिल पॉइंट पे अगर आपके कैमरे की हाइट आ रही है तो मतलब ये कि आपने उसको सही तरीके से एंगल की हाइट को सेट किया है। जब एंगल की हाइट सेट हो जाएगी तो पूरा आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। हम यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गए हैं कि आप जब रूम में एंटर करें और ये फ़ैन अगर आपके चल रहे हो तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर फ़ैन की आवाज़ आएगी तो आपका जो साउंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टीचर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश
जिससे कि आप अपना वीडियो अच्छा, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जो हमको जानकारी थी वो आपके तक पहुँचाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने वीडियो में इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाइए। चलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीचर्स। थैंक यू।